ये कहानी एक डॉग की है जो दूसरों की मदद किया करता था पर थोड़ा शरारती था। इस डॉग का नाम बग था। बग काफी खूबसूरत इलाके में एक जज के घर में रहता था। एक दिन जज की नौकरानी उसको अपने साथ मार्केट लेकर जाती है। वहाँ वो बहुत ज्यादा मस्ती करता है और लोगों को तंग करता है। कोई उसको कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो जज का डॉग था। मार्केट में एक आदमी उसको देखता है और कहता है कि ये डॉग तो बहुत अच्छी नस्ल का है। कनाडा में जो सोने की खान है वहाँ ऐसे डॉग की बहुत जरूरत है। ये बात वहाँ खड़ा जज का माली भी सुन रहा था। आज जज का बर्थडे था। बग सब बच्चों को उठाने जब जाता है तो वह बुरी तरह उनके बेड पर कूदता है और एक आफत मचा देता है क्योंकि बग साइज में बहुत बड़ा था। जब वो चलता था तो पूरा घर हिलता था। किचन में जज की नौकरानी मजे मजे के खाने बना रही थी पर बग के आने पर वो सारा खाना छिपा देती है ताकि बग की नजर उन खानों पर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर बग ने देख लिया तो वह सब कुछ खराब कर देगा। जब बग किचन में मासूम सी शक्ल बनाकर खड़ा हो जाता है तब वह उसे किचन से बाहर निकाल देती है और कहती है कि पहले सबके साथ सही से पेश आओ तभी खाना मिलेगा। तभी वो बाहर जाकर एक खरगोश को देखता है और उसके पीछे भागता हुआ अपना सर एक पेड़ में दे मारता है। तभी उसकी नज़र बाहर पार्क में सजे एक टेबल पर जाती है जो कि तरह तरह के खानों से सजा हुआ था क्योंकि आज तो जज का बर्थडे था। उनके दोस्त आने वाले थे। जब तस्वीर बनाने की बारी आती है तब बग को भी बुलाया जाता है। तभी बग के मुंह में एक बोटी देखते हैं और वो टेबल जिसको बग ने मेहमानों के आने से पहले सारा खराब कर दिया था। जज को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और आज रात को वह बग को बाहर रहने की सजा देता है। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बिजली चमक रही थी। बग बेचारा बार बार दरवाजे को देख रहा था। अब बग को दूर खड़े माली की आवाज आती है। वो उसके पास जाता है। तभी माली एक बिस्किट को घोड़ा गाड़ी की तरफ फेंकता है। बग उसको उठाने के लिए उस गाड़ी के अंदर चला जाता है। तभी माली दरवाजा बंद कर देता है। भूखा बग अंदर से देख रहा था कि माली किसी से पैसे ले रहा है। वो समझ गया था कि उसने मुझे बेच दिया है उसी आदमी को जो मार्केट में बग को देखकर बात कर रहा था। अब बग को वहां से ले जाकर बहुत बड़े बॉक्स में चढ़ा दिया जाता है। जब बग को होश आता है तो वह भौंकता है, खाना मांगता है। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक डंडा लेकर इसका बॉक्स खोलता है और बग को मारता है। पहली बार किसी ने बेचारे बग को इतना मारा था मगर बग अभी भी हार नहीं मानता। वो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वह एक जहाज में था। उसके चारों तरफ पानी था। अब उसको पता चल गया था कि अब वो यहाँ से भाग नहीं सकता। जहाज अपनी जगह पर पहुँच गया था। बग वहाँ पर सबको हैरान नजरों से देख रहा था। तभी वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाती है। उसने ये बर्फबारी पहली बार देखी थी जिसे देखकर वह बहुत खुश था। वो बर्फ में खेल भी रहा था। तभी बग अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है जिसके बाद मार्केट में जॉन मिलता है। जॉन अपना घर छोड़कर यहाँ से जा रहा था तभी उसकी टक्कर बग से होती है। यहाँ पर ये लोग पहली बार मिले थे। बग को उन डॉग्स के साथ रख दिया जाता है जिन्हें बेचा जाना था। बग वहाँ पर बाकी डॉग्स के साथ दोस्ती करना चाहता था पर बेचारे से कोई भी दोस्ती नहीं करता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसको बग बहुत अच्छा लगता है। वो खरीद कर वहाँ से ले जाता है। ये आदमी एक पोस्टमैन था। उसको बर्फ पर अपनी स्लेड यानी गाड़ी चलाने के लिए एक डॉग की जरूरत थी। वो बग को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। उसके गले में पट्टा भी बांध दिया जाता है। जब डॉग्स आगे बढ़ते हैं तब बग को भी बर्फ पर चलना नहीं आता। उसको बर्फ पर चलने में काफी मुश्किल हो रही थी। वो लड़खड़ा रहा था। वो गिर जाता था। पोस्टमैन समझ गया था कि बग से अब चला नहीं जा रहा। रात को जब पोस्टमैन सो रहा था तब बग वहां पर एक शरारत करता है। वो भी पोस्टमैन के साथ टेंट में सो जाता है पर उसे वो बाहर निकाल देते हैं। तभी बग को अंधेरे में काला भेड़िया नजर आता है। उसको देखकर वो डर गया। वो पीछे होता है तभी एक डॉग से टकराता है जो वहां पर एक गड्ढा बनाकर सो रहा था। बग को भी वो जगह देकर वहां से चला जाता है और अपने लिए दूसरा गड्ढा बना लेता है। अब बग को भी पता चल गया था कि बर्फ में कैसे सोते हैं।
अगली सुबह ये लोग अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। अभी भी बग से सही तरह चला नहीं जा रहा था। वो रास्ते में अपने लेटर्स डिलीवर करके आगे पहुंचते हैं। फिर रात हो जाती है। रात के खाने में सभी डॉग्स को फिश दी जाती है। वहां पर एक डॉग दूसरे डॉग की फिश छीन लेता है। बग जब ये देखता है तो वो अपना खाना उस डॉग को दे देता है। डॉग्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। अगली सुबह रास्ते में एक डॉग रुककर पानी पी रहा था। जब दूसरा डॉग भी पानी पीना चाह रहा था तो वो डॉग उसको मना कर देता है और उस पर गुस्सा करता है। बग दूसरी जगह पर बर्फ को खोदकर पानी निकालता है और सभी डॉग्स को पानी पिलाता है। सभी डॉग्स बग से बहुत खुश हो गए थे, पर वो उस डॉग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो दूसरे डॉग्स को पानी पीने से रोकता है। बग अब काफी अच्छी तरह बर्फ में भागने लगा था। एक दिन रास्ते में चलते चलते पोस्टमैन की असिस्टेंट बर्फ को चेक करते हुए पानी में गिर जाती है। बग जब ये देखता है तो अपनी जान की परवाह किए बिना उस असिस्टेंट को बचाता है। पहले वो बग को नोटिस नहीं करती थी, पर बग अब उसे अच्छा लगने लगा था। वो रात को अपने पास बिठाकर खाना खिलाती है। दूसरा डॉग दूर से ये सब देख रहा था और वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस करता है। इसके बाद पोस्टमैन और असिस्टेंट सोने चले जाते हैं। तभी बग एक खरगोश को देखता है, उसके पीछे भागता है और इस तरह खरगोश के साथ खेला करता था। तभी दूसरा डॉग आता है और अचानक से खरगोश को मार देता है और बग पर भी हमला कर देता है। इस हमले में बग बेहोश हो जाता है। अचानक से वहां काला भेड़िया आता है और डॉग को उठाकर दूर फेंकता है। ये वही काला भेड़िया था जो बग को पहले भी नजर आया था। अगली सुबह पोस्टमैन डॉग को आवाज लगाता है जिसने बग पर हमला किया था, पर वो वहाँ है ही नहीं था। वो इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वह उसे अपनी स्लेट के आगे बांध सके। बग अब ये चाहता था कि उसको आगे बांधा जाए। बग बहुत तेज भागता है और जोश में था। पोस्टमैन ये देखकर बहुत खुश था। तभी वो एक साइड देखता है कि एक पहाड़ से बर्फ गिर रही थी। बग भी उसको देख लेता है। तभी वो बग को दूसरी साइड मुड़ने को कहता है। वहाँ बग को सीधी साइड पर वही काला भेड़िया नजर आता है जो अक्सर उसको मिलता था। वो उसी साइड पर एक गुफा से होते हुए सबको बचा लेता है। पोस्टमैन भी उसकी ये बात देखकर समझ गया था कि बग वाकई एक समझदार डॉग है। वो उसकी अकलमंदी और तेज रफ्तारी से अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। सबको उनके लेटर देते हैं जिसको पढ़कर सभी बहुत खुश थे। बग सबको देख रहा था। यहाँ पर जॉन भी था जो पहले भी बग से टकराया था। घर में बैठकर वह लेटर लिख रहा था अपनी बीवी के लिए। वो लिखता है कि उसके बेटे का आज बर्थडे है जो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। यहाँ बग को भी एक बार फिर काला भेड़िया नजर आता है और इससे यहाँ हमको यह महसूस होता है कि जब भी काला भेड़िया उसको नजर आता था उसके साथ कुछ न कुछ अच्छा होता था। अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने थे। तभी पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। वो लेट हो गया था। तभी बग रुककर उससे खुद लेटर लेने जाता है। इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। उसे बहुत बुरा लगता है। सभी डॉग्स को भी छोड़ना होगा। वो करते भी तो क्या करते। वो सभी डॉग्स को उधर छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग्स को खरीद लेता है जो कि सोने की तलाश में था। सभी डॉग्स को अपनी स्लेट के साथ बांधता है और कहता है कि चलो, पर सामान बहुत ज़्यादा था जिससे बग और उसके साथी उनके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। जब वो ये देखता है तो कहता है कि अभी जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो अमीर आदमी बात नहीं मानता और उनको लेकर चला जाता है। तभी रास्ते में बग की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बेहोश हो जाता है। वो अमीर आदमी गन से उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ जॉन आ जाता है। अभी भी वो उसको समझाता है कि आगे मत जाओ। वो अमीर आदमी सोने के लालच में इतना पागल हो गया था कि वो किसी की भी नहीं सुनता। जॉन अब उसकी स्लेट से अलग कर देता है और उसे अपने घर ले जाता है। दो दिन बाद जब बग को होश आता है तो वह जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे बाकी साथी मारे जा चुके हैं, अब तुम भी आज़ाद हो, जहाँ जाना है जा सकते हो। पर बग जाता भी तो कहाँ जाता,
उसका तो कोई घर ही नहीं था। एक दिन जॉन बार में जाकर ड्रिंक करता है, तभी बक भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वहां वो अमीर आदमी भी था जो जॉन पर हमला करता है, इसलिए उसने बक को उसके साथ जाने नहीं दिया था, और जिसकी वजह से बक के बाकी साथी भी मारे जा चुके थे। बक जब ये देखता है तो वह उस पर हमला कर देता है। दूसरे आदमी बक को दूर करते हैं और अमीर आदमी को बाहर फेंक देते हैं। जॉन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बक उसको रोकता है। एक दिन उसकी बोतल को वह बर्फ के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन बक को हटाना चाहता था पर बक इतना भारी था कि जॉन से हिलता ही नहीं था। एक दिन जॉन उसको नक्शा दिखाता है, ये एक जगह का नक्शा है जहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा। मेरे बेटे ने इसी नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी और कहता था कि सब लोग नक्शे के मुताबिक चलते रहें, इसलिए लाइन पर चलेंगे। चलो हम भी चलते हैं सोना ढूंढने के लिए। वो एक कश्ती में बैठकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। सुबह को पानी का बहाव बहुत तेज था जिसकी वजह से उनकी कश्ती में सुराख भी हो जाते हैं। वो अपनी कश्ती को छोड़कर पैदल आगे बढ़ते हैं। उनको एक घर नज़र आता है, घर को देखकर वह काफ़ी खुश हो गए थे। दूसरी तरफ वो अमीर आदमी जो सोने की तलाश में था वो जॉन के घर पहुँच जाता है उसे मारने के लिए। तभी उसको नक्शा नज़र आता है, वो समझ गया था कि जॉन कहां पर गया है। एक दिन जॉन को नहाते हुए नदी में सोने के कुछ टुकड़े मिलते हैं, वो बहुत खुश होता है। वो समझ गया था कि वो सही जगह पर आए हैं। तभी बग भी उसको देखकर पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर मुंह में उठाता है। जॉन कहता है कि ये तो वो नहीं है। बग फिर से पानी में डुबकी लगाता है और एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है। जब वो जॉन के हाथ छोटे टुकड़े देखता है तो उसे फेंक देता है और कहता है कि ये नहीं होगा। जॉन भी उसकी इस हरकत पर बहुत हंस रहा था। तभी वहाँ पर एक सफ़ेद भेड़िया उसको देख रही थी। बग जब उसके पीछे जाता है तो वह वहाँ से भाग जाती है। एक दिन इन भेड़ियों का ढूंढ शिकार कर रहा था, तभी अचानक उनका एक साथी पानी में गिर जाता है। वो पानी के बहाव से आगे जा रहा था, बग उसको देखकर बचाता है। उसके साथ बग भी उन भेड़ियों का दोस्त बन जाता है। अब ज्यादा टाइम वो उनके साथ गुजारता है। इस तरह जॉन बेचारा अकेला रहने लगा था, पर वो जॉन के लिए हमेशा रोजाना एक शिकार करके लाता था। एक दिन काफी देर हो जाती है पर बग घर नहीं आता, तो जॉन अकेला ही शराब पीने बैठ जाता है। जब बग को एहसास होता है तो अपने घर वापस आता है और आकर जॉन की गोद में सो जाता है। अगले सुबह सफ़ेद भेड़िया इसे अपने पास बुलाती है, बग उनके साथ चला जाता है। जॉन को भी एहसास हो चुका था कि बग को भी उसकी फैमिली मिल गई है, वो उनके साथ खुश था। जॉन अब अकेला महसूस करता था, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। वो सारे बड़े टुकड़े पानी में गिरा देता है और छोटे टुकड़े अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी हैं, तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई है, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर बग उदास हो गया था और वो भेड़ियों के साथ चला जाता है। उधर जॉन को घर के बाहर किसी की आवाज़ आती है। जॉन जब बाहर जाकर देखता है तो वह अमीर आदमी था, वो जॉन को गोली मार देता है। जॉन के हाथ में लालटेन नीचे गिर जाती है जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। अमीर आदमी जॉन से सारा सोना लेने आया था, जब वो सोना देखता है वो तो पागल ही हो जाता है। तभी वहाँ पर बग भी आ जाता है, वो उसको आग में धक्का दे देता है जिससे अमीर आदमी वहीं मर जाता है। जॉन को भी गोली लगी थी इसलिए वो काफ़ी जख्मी था। मरता हुआ जॉन बग को कहता है कि मेरे बच्चे यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं रहना है, और जॉन मर जाता है। सफ़ेद भेड़िया बग को अपने साथ ले जाती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि सफ़ेद भेड़िया और बग कपल बन चुके हैं और उनके दो बच्चे भी हैं। बग अपने झुंड का लीडर बन गया था, वो अपने झुंड को लेकर अक्सर वही जगह पर जाता था जहाँ जॉन की मौत हुई थी। बग इस जंगल में बहुत खुश था। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।